Hello friends, welcome to the desk Deva English Spoken Classes. Please do watch this channel. By watching this channel, you can surely learn English. Thank you. Friends, ये रहा पिछली क्लासेज में दिए गए सेंटेंसेस के आंसर. आप अपने बनाए हुए आंसर से इसको टैली करके जहां पर भी गलतियां हो सुधार लेना. रिश्ते सुंदर आवाज़ और सुंदर चेहरों के मोहताज नहीं होते, बल्कि रिश्ते सुंदर मन और कभी ना टूटने वाले भरोसे से बनते हैं और टिकते हैं. हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द डेस्क देवा इंग्लिश स्पोकन क्लास. फ्रेंड्स, पिछली क्लासेस में मैंने शुड मस्ट पढ़ाया था आपको. शुड मस्ट का अफर्मेटिव सेंटेंसेस बताया था आपको, और आज मैं आपको बताऊँगा उसका नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड. ठीक है फ्रेंड? फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ कि आप पिछली क्लासेज में जो मैंने शुड, मस्ट और ऑट टू के बारे में एक्सप्लेन किया था, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और आपने सेंटेंसेस भी सही सही बनाए होंगे. आपने टैली तो किया ही होगा. ठीक है फ्रेंड, तो आज ज़्यादा देर नहीं करेंगे और क्लास आज की शुरू करते हैं हम. लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे. फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड्स, मैंने आपको कई बार बताया है कि नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड्स का मेकिंग फार्मूला सभी स्टेप्स में एक जैसे होते हैं. मीन्स नेगेटिव का फार्मूला क्या है? किसी भी हेल्पिंग वर्ब के बाद, मतलब जिस सेंटेंस का हम नेगेटिव बना रहे हैं उसका जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद नॉट लगा कर हम उसका नेगेटिव बनाते हैं. ठीक है? और इंट्रोगेटिव का फार्मूला क्या है? इंट्रोगेटिव मीन्स क्या से शुरू होने वाले सेंटेंस के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, जो क्या से शुरू होते हैं. तो सबसे पहले उसका हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर ऑब्जेक्ट, अदर्स, वर्ब होगा तो वर्ब. ठीक है फ्रेंड, बहुत इजी है. अगर आप एक बार अच्छी तरह से मेरा जो पहला क्लास था इजारम का, यूज ऑफ इजारम, इजारम का जो टॉपिक चल रहा था, स्टेप चल रहा था, उसका नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन वर्ड्स, सारे के सारे अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा तो आगे आपको बहुत ही इजी हो जाता है समझना. कोई मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें. चलिए हम आज की क्लास शुरू करते हैं और समझते हैं नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड्स, शुड, मस्ट और आउट टू का. आइए, सबसे पहले हम नेगेटिव लेंगे. नेगेटिव मतलब आप समझते हैं नकारात्मक होता है, जिसमें नहीं आता है. सबसे पहले हम नेगेटिव लेते हैं. सेंटेंस डायरेक्ट सेंटेंस रहते हैं फ्रेंड, बार बार मेकिंग फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको समझ में आता होगा या आ चुका होगा या आपको याद होगा कि नेगेटिव का मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट. तो तुम्हें वहां नहीं ठहरना चाहिए, तुम्हें वहां नहीं ठहरना चाहिए. यू शुड नॉट स्टे देयर. ठीक है फ्रेंड, अब इसमें मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा कि नेगेटिव सेंटेंसेस में या इंट्रोगेटिव या क्वेश्चन वर्ड सेंटेंसेस में ज़रूर या अवश्य लगाकर हम बोलचाल में यूज़ नहीं करते. ज़्यादातर हम क्या बोलते हैं? ही का इस्तेमाल करते हैं. जैसे तुम्हें वहाँ ठहरना ही नहीं चाहिए. ठीक है फ्रेंड, तुम्हें वहां ठहरना ही नहीं चाहिए, तुम्हें वहां जरूर नहीं ठहरना चाहिए, ऐसा हम हिंदी के बोलचाल में इस्तेमाल नहीं करते हैं और जैसा लगता है, या तुम्हें वहां अवश्य नहीं ठहरना चाहिए, ऐसा हम ज्यादातर बोलचाल में इस्तेमाल नहीं करते हैं. हम सिंपली बोलते हैं तुम्हें वहां ठहरना ही नहीं चाहिए. तो इसके लिए हम मिस जोर दे के बोल रहे हैं, तो वही मतलब आप वही समझ रहे हैं कि मस्ट या आउट टू का है ये. तो यू मस्ट Not stay there, या you ought not to stay there. ठीक है फ्रेंड, अब इसमें आप ध्यान देना, you ought not to stay there. Out के बाद means ought के बाद not लगाएंगे, फिर उसके बाद to लगाएंगे. ठीक है फ्रेंड, बहुत इजी है, आप इसको लिख लेना अच्छी तरह से और समझ लेना. अभी मैं इंट्रोगेटिव बनाऊंगा. इंट्रोगेटिव,
क्या मुझे दवाई लेनी चाहिए? क्या मुझे दवाई लेनी चाहिए मींस खानी चाहिए? तो शुड आई टेक मेडिसिन? ठीक है फ्रेंड, क्या तुम्हें बाइक नहीं खरीदनी चाहिए? शुड यू नॉट बाई बाइक? सिंपल है फ्रेंड, आप इतना ही याद रखना इस कि इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है, क्या से शुरू होने वाला सेंटेंस या क्या से समाप्त होने वाला सेंटेंस। उसमें हम उसको बनाने के लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है फ्रेंड, ये आपको पता होगा। तो ये शुड यू नॉट बाई बाइक, फ्रेंड्स हम शुड यू नॉट यहाँ पर लिख रहे हैं, इधर भी लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं। मैं आपको शॉर्ट फॉर्म बता दे रहा हूँ इसका, शुड प्लस नॉट, नॉट इक्वल टू शुडंट, शुडंट, मस्ट प्लस नॉट, मसंट। ठीक है फ्रेंड, ये शॉर्ट फॉर्म है, इसमें हर स्टेप में मैं बताता हूँ शॉर्ट फॉर्म। तो शॉर्ट फॉर्म में आप इसको याद कर लेना, लिख लेना अच्छी तरह से, इसका भी इस्तेमाल काफ़ी होता है, शुडंट मसंट। ठीक है फ्रेंड, अभी हम क्वेश्चन नोट पे चलेंगे, इसको आप लिख लेना अच्छी तरह से। क्वेश्चन क्वेश्चन नोट का हम सेंटेंस लिखते हैं, तुम्हें ऐसा क्यों करना चाहिए? तुम्हें ऐसा क्यों करना चाहिए? तो व्हाई शुड यू डू दिस, सिंपली हम दिस लिखते हैं, या पर हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि व्हाई शुड यू डू सच अ थिंग, सच अ थिंग भी कर सकते हैं, और दिस इजी है, इसके लिए मैंने ये लिख दिया है। हमें छुट्टियों में कहाँ जाना चाहिए? वेयर शुड वी गो इन वैकेशन? ठीक है फ्रेंड, अगर इसमें नॉट आता है, जैसे मुझे दवाई क्यों नहीं लेनी चाहिए, मुझे दवाई क्यों नहीं लेनी चाहिए, तो व्हाई शुड आई नॉट टेक मेडिसिन? ठीक है फ्रेंड, या तो हम इसको नॉट को इधर भी लिख सकते हैं, व्हाई शुडंट आई टेक मेडिसिन, सिंपल है। अब इसमें मैंने मस्ट या आउट टू वाला इस्तेमाल नहीं बताया है, सिंपल है, उसमें लिखने की जरूरत नहीं है। अगर सेंटेंस में तुम्हें ऐसा क्यों करना ही चाहिए मीन्स अगर जोर दे के बोलते हैं, तो वहाँ पर शुड की जगह पे मस्ट या आउट टू लगाएंगे, सिंपल है, आप समझ लेना। ठीक है, मुझे क्यों वहाँ जाना ही चाहिए मीन्स कोई बोल रहा है कि तुम्हें वहाँ जाना ही चाहिए, तो मैं उसे रिप्लाई कर रहा हूँ, पूछ रहा हूँ फिर उससे कि मुझे क्यों वहाँ जाना ही चाहिए, जाना इतना ज़रूरी क्यों है मेरा? तो व्हाई शुड, यहाँ पे शुड नहीं होगा, तो व्हाई मस्ट आई गो देयर, व्हाई आउट आई टू गो देयर, यहाँ पर अगर आउट लगाते हैं तो टू फिर सब्जेक्ट के बाद हम लिखेंगे। ठीक है फ्रेंड, अब उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा, आप इसको अच्छी तरह से नोट कर लेना नोटबुक में, आप समझ लेना। ठीक है फ्रेंड, तो आज के लिए इतना ही,
और जाते जाते मैं फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है और रोज़ की क्लास अटेंड कर रहे हैं उनको बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो। ठीक है फ्रेंड, अभी तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स। ये रहा आज के लिए आपका होमवर्क, आप इन सेंटेंसेस को अच्छी तरह से समझकर बना लेना। ठीक है फ्रेंड, ओके बाय।